लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 6 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लोकसभा चुनाव इस बार दुमका से शिबू सोरेन की बड़ी बहू जामा से विधायक सीता सोरेन चुनाव लड़ी। महज 22,000 वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीता सोरेन है। मैडम, HD न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार सांसद का चुनाव लड़े आप और महज सिर्फ 22,500 वोट? देखिए, चुनाव तो मैं पहले भी 3-3 चुनाव में लड़ चुकी हूँ और ये लोकसभा चुनाव जो है कि पहली बार है और पहली बार में एक्सपीरियंस भी बहुत रहा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 6-6 विधानसभा सीट थी और मेरे साथ जो है कि मेरी तीनों बेटियां भी चुनाव मैदान में उतरी और सबको हम लोग पूरा परिवार के लोग ही चुनाव लड़ लिए और सभी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो गया है कि लोकसभा में मतलब कंटेस्ट रहती है और हम लोगों को जो प्यार मिला है पूरा जनता का, बहुत भरपूर सहयोग और प्यार मिला और ये हार नहीं बोला जा सकता। ये पूरी हार के भी आप जीत, हार के भी बिल्कुल हम जीत गए। इसीलिए हम जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में और कड़ी मेहनत की है सब ने। बिल्कुल, अब लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं। झारखंड में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सीता सोरेन अब किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है, अपनी बेटियों को तैयार कर रही है? देखिए, एक तैयारी तो हो चुकी लोकसभा चुनाव में, अब जो आधा जो बचा हुआ है जो तैयारी, वो हम लोगों को फिर से करनी ही है और इस बार भी बहुत मजबूती के साथ हम लोग उतरने जा रहे हैं और जो भी लड़ेंगे हम लोग, वो तो पार्टी प्रमुख जो हमारे हैं दिल्ली में सब बैठे हुए, यहाँ भी है, सब विचार करेंगे कि इनको कहाँ से लड़ाया जाएगा, कौन कहाँ से होंगे। लेकिन सबसे पहली बात, तैयारी तो होनी चाहिए और हम लोग शुरू करने वाले हैं विधानसभा, अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कई बैठकें होने वाली है और किस तरह से हम लोग पूरे कैंडिडेट जो है कि सभी विधानसभा में किन की क्या तैयारी होगी उसकी रणनीति भी बनाए जाएंगे। बड़ी बेटी राजश्री को आप चुनावी मैदान में इस बार उतारेंगी, जमा से चर्चा जयश्री बड़ी बेटी, उनको जमा से आप विधानसभा का चुनाव लड़वा रही हैं, तो ऐसे में सीता सोरेन फिर किस सीट से चुनाव लड़ी? देखिए, वो तो मेरी सोच है कि क्योंकि जमा हमारी मेरे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन पति उस समय से है, तो एक सोचिए कि वो हमारा एक परिवार के लोग ही सब रहते हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं बेटी को वहाँ से देंगे। लेकिन सबसे पहले पार्टी आला कमान की मंजूरी होती है, वहाँ से मंजूरी ले लिया जाएगा, क्योंकि क्या सोच है पार्टी के स्तर से, वो भी बहुत ज़रूरी है और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसके बाद ये चर्चा भी खूब थी कि सीता सोरेन बीजेपी से नाराज है, तो कहीं ना कहीं फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है, वो JMM ज्वाइन कर सकती है, तो इस पर क्या कहें? पार्टी से लोग जो है कि इस तरह का गलत जो मैसेज जो चल जाता है, हम कहेंगे कि इस तरह के गलत मैसेज नहीं जाने चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रति तो हम कभी नाराज रहे ही नहीं। ये तो हम अभी कितना महीना ही भरी हुआ है और इस विशाल जो परिवार है, परिवार में आए हुए और परिवार में आम आदमी का जो परिवार होता है वो जिस तरह का रहता है, ये भी वैसे ही है, तो नाराजगी की कहीं कोई भी बात नहीं है, तो हम समझ रहे हैं और हम समझते हुए इस बड़ी विशाल जो परिवार है, समझते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे और कहीं हमको जाने की इच्छुक भी नहीं है और हम इसी पार्टी में अपने एक सच्चे सिपाही के तरह हम काम करेंगे। पार्टी में तो बीजेपी में आप हैं और JMM जाने की आप सोच नहीं रही है और जिस तरीके की जो अफवाह, आप इसे अफवाह ही बता रही है, लेकिन जो चर्चा है कि जो घर की नाराजगी है इसको लेकर के कल्पना सोरेन की आपसे बात हुई है? इसको लेकर के कोई बात नहीं हुई है। देखिए, हम लोग अपने
अपने जगह पर है और अपने तो हम खुद तो हम अपना कामों पर अपना फोकस कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह की जो हम लोग कार्यकर्ता लोग को पार्टी में किस तरह का हम लोग मजबूतीकरण दें, इसके बारे में पूरा पार्टी तरह से जो दिशा निर्देश भी आया हुआ है कि सब कोई को संगठित करते हुए हम लोग पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो ऐसे आगे हमारे इस तरह के विचार हैं। आप सीधे तौर पर कह रही हैं कि अब आप जेएमएम में नहीं जा रही हैं, परिवार है तो परिवार के साथ आपका जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, लेकिन अब ये बीजेपी में क्योंकि आप है तो अब बीजेपी पार्टी आलाकमान तय करेगी कि आपको किस सीट से चुनाव लड़ना है। हालांकि आपकी जो इच्छा है वो आप जरूर जाहिर करेंगी, लेकिन अब जिस तरीके की जो एक अफवाह भी है कि बीजेपी में आप गई लेकिन बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिला जो जेएमएम में मिलता था, और कहीं ना कहीं अब ये भी चर्चा है कि सीता सोरेन को लेकर के जो परिवार के लोग हैं वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कल्पना सोरेन जो छोटी बहू हैं वो विधायक बन चुकी है, और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को अपनी अपनी सोच के साथ आगे बढ़ा रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वो आपसे बात करेंगी तो क्या आप मानेंगी? देखिए, हम दूसरों की बात नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी जो पार्टी की और अपने जो विशाल परिवार की ही बात करना चाहते हैं, और इस परिवार में हमको बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है इन्हीं कुछ ही दिनों में, और आगे भी मिलेगा जिस तरह का हम अभी वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहा अभी तक और आगे भी रहेगा। और जो भी हम करेंगे, हम दूसरा की बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको जो पार्टी के तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा वो उस पर हम कायम रहेंगे, और हम बार बार यही बोल रहे हैं पार्टी के सच्चे सिपाही जो बोला जाता है उसके आधार पर मेरी काम रहेगी पार्टी में। अब 6 महीने रह गए हैं चुनाव के, और ऐसे में चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जो चुनावी वादे हेमंत सोरेन ने किए उसको पूरा करने में चंपई सोरेन लगे हुए हैं। 40,000 नियुक्ति देने की बात हो रही है, 25 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपया देने की बात हो रही है, गैस सब्सिडी की बात हो रही है, बिजली की 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही है, तो तमाम बड़ी घोषणाएं जो है वो सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले किया है, इन घोषणाओं को आप कैसे देखती? देखिए, क्या लगता है कि इन जो अभी जो 4-5 महीना अभी तो बोर्ड ऑफ कंडक्ट भी लगना है, तो क्या इन 2-3 महीना में कि जो भी नए तरह का फिर वादे कर रहे हैं नौकरियां देंगे तो क्या पूरा कर पाएंगे? सरासर देखा जाए तो पब्लिक को धोखा देने की बात कर रहे हैं ये जो इंडिया गठबंधन की टीम जो है और जो मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन जी पूरे तरह से धोखा देने की बात कर रहे हैं। 4.5 साल जो मिला था, जो चुनावी वादे किए थे, क्या वो वादे को पूरा किए? वही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि 4.5 साल आप इस झारखंड सरकार में विधायक रही, तो ऐसे में आप क्या देख पाए कि कितने वादे पूरा हुए? देखिए, कोई वादे तो पूरा नहीं हुए। जो पब्लिक के लिए जैसे नौजवान है उनको नौकरी चाहिए थी, जो 5 लाख नौकरियां हैं वो कहाँ गए? अपनी 5 लाख नौकरियां ऊपर से कहा गया था कि निजी कंपनियों में 75% नौकरियां दिया जाएंगे, जो झारखंड में जो निजी कंपनियां हैं उसमें भी दिया जाएगा। तो ये भी बताएं कि कहाँ कितने हमारे नौजवानों को, झारखंड के नौजवानों को घुसाया गया निजी कंपनी में। तो ये सब झूठे वादे हैं, और 3 महीना में ये और जो करने वाले हैं ये सब पूरा झूठा वादा है। पब्लिक वो समय पर समझ जाए, ये अगला वोट किस तरह से बटोरा जाए उसके लिए ये लोग रणनीति बना रहे हैं।